हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कुछ ऐसा है कि पहली बार में कार्ड निकाला गया, फिर दूसरी बार में कार्ड निकाला गया, 51 हो गया, है ना। तो यहां से निकाला और फिर यहां से निकाला, दोनों के दोनों एसेस हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, दैट इज इक्वल टू, है ना, बोथ एसेस। तो दोनों एसेस होंगे, मतलब फर्स्ट वाला भी एस हो, फर्स्ट एस एंड सेकेंड ऑल्सो एस। सेकेंड क्या हो, सेकेंड वाला भी एस हो व्हेन फर्स्ट इज एस। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से डायरेक्टली कर ली। पहली बार में एस लाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 52 नीचे और ऊपर 4, क्योंकि एस कितने होते हैं, एस 4 होते हैं। तो नीचे तो 52 लिख दिया, 4/52, ये तो फर्स्ट टाइम एस हो गया। उसके बाद जब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की बात करेंगे तो आप ये समझिए कि जब आप सेकेंड चांस ले रहे हो, उस सेकेंड चांस में पहली बार एस आ चुका हो, तब सेकेंड बार में एस आने का क्या चांस है। इसका मतलब यही हुआ कि सेकेंड बार में एस आने का चांस जब फर्स्ट बार में एस आ चुका हो, तो एक तो 52 पत्तों में से आपने क्या किया, एक एस खींच लिया, तो कितने एस बचे। अब यहां पे 3 एस बचे, यहां पे 4 थे, अपने एक खींच लिया और 51 बचे थे। इस वाले इवेंट में कितना होगा, 3/51 हो जाएगा। सो माई फाइनल आंसर इज, ये हो गया 13 1/13 और ये हो गया 17, तो 1/221 इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम।